हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो फर्दर यानी आगे के जो भी क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद, अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बताइए। जीके का भी क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राष्ट्रपति ने लगातार दो बार राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ए और सी दोनों। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए था, गलती से डी छप गया है। यानी ए और सी दोनों। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार दो बार राष्ट्रपति पद संभाला था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या ज्ञानी जैल सिंह। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकते, केवल दो कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं, कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? यानी भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी वो कौन थी? सरोजनी नायडू, शारदा मुखर्जी, सरला अग्रवाल या प्रतिभा पाटिल। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में या दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों में से किसी भी सदन में भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सदस्यों के चार समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोहम्मद हिदायतुल्ला। यहाँ जो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या सेना अध्यक्ष में। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मिश्रित या राष्ट्रपति के निर्णयानुसार चुना जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार चुना जाता है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। यानी किस प्रकार होना है, किस प्रणाली लगेगी, कौन सी, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी? राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या इनमें से कोई नहीं। यहाँ का भी ऑप्शन सही है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे राज्यसभा का विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। यहाँ का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न से वो प्राधिकरण कौन है जो विधिक मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी,
भारत के मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग के चेयरमैन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, भारत का महान्यायवादी। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या, वर्तमान में राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? मीरा कुमार, एम वी नायडू, सुषमा स्वराज या सोमनाथ चटर्जी? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा एम वी नायडू। ये जीके का भी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 10, 15, 12 या 18? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है कितने दिन का होता है? 2 वर्ष का, स्थायी होता है, 5 वर्ष का होता है या 6 वर्ष का होता है? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं राज्यसभा की समय अवधि होती है, यानी समय अवधि जो होती है राज्यसभा की वो कितने वर्ष तक होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी 4 स्टेटमेंट सही है दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या में भेजता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्यों को भेजता है, ये भी सही है। किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या पर आधारित होती है, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट आपके सही है, यानी उपर्युक्त में से कोई भी स्टेटमेंट गलत, सॉरी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये सभी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर या साक्षरता के आधार पर? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है कितने वर्ष है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में? सोमनाथ चटर्जी, हामिद अंसारी, श्री ओम बिड़ला या प्रणब मुखर्जी? यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री ओम बिड़ला। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मनमोहन सिंह, ओम बिड़ला, सोनिया गांधी या सुषमा स्वराज? यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम बिड़ला। इस क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिड़ला, विजय कुरियन, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज? तो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है हमने, बस इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है, मीनिंग सेम है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ या आगे मैं बताऊंगी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, सही या गलत आप जज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।